हरे कृष्णा प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदु साहेब साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस भौतिक जगत में दुख का, कष्ट का, चिंता का, डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण है आसक्ति। आसक्ति आसक्ति नहीं, या ये कहें भौतिक आसक्ति यानी मटेरियल अटैचमेंट। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को भौतिक आसक्ति होती है किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, तो वो भ्रमित हो जाता है, वो कन्फ्यूज रहता है, वो लाइफ का सही निर्णय कभी नहीं ले सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या रिलीजियस है, क्या इरिलीजियस है, इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए, इसका सब ज्ञान नहीं रहता है क्योंकि आसक्ति से प्रभावित है वो। आसक्ति मीन्स भौतिक आसक्ति। तो भौतिक आसक्ति व्यक्ति के दुख का, कष्ट का, चिंता का, यहाँ तक उसके विनाश का कारण बनती है। उसी कारण से भौतिक जगत में जिन लोगों को भौतिक आसक्ति होती है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या किसी भी सिचुएशन से, अगर वो आसक्त है भौतिक रूप से, उसका परिणाम निश्चित है कि दुख ही मिलेगा। शुरू में हो सकता है उसे कुछ सो कॉल्ड हैप्पीनेस मिले, थोड़ा सुख मिले, लेकिन अंततः उसे दुख, कष्ट और तकलीफ ही उसके खाते में आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसका उदाहरण है महाभारत से हम देखें धृतराष्ट्र जी। धृतराष्ट्र जी को पता था कि मेरा पुत्र है वो अधर्मी है, वो जो धर्म के जो लोग हैं जो पांडव हैं उनके विरुद्ध साजिश रचता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनको परेशान करने के तरह तरह के साजिश रचता है, सब कुछ कर, जो भी करता है वो गलत है, लेकिन उसे कभी राजा होकर भी कभी रोक नहीं सके। क्यों? क्योंकि वो उसे भौतिक रूप से आसक्त थे। जब आदमी भौतिक रूप से आसक्त होगा वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ये एक बड़ा एक लक्षण है ऐसा व्यक्ति का जो भौतिक रूप से आसक्त है। यदि माँ बाप अपने बच्चों से, संतान से भौतिक रूप से आसक्त हैं, तो कहीं से उसको सही तरीके से वो उसको लाइफ में सही निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे, वो कभी नहीं ले सकते। सारे निर्णय उनके गलत ही निकलने वाले हैं, अभी नहीं तो बाद में, सूनर और लेटर, लेकिन निर्णय निकलेंगे गलत। लेकिन तो ऐसा क्या करेंगे, हम आसक्ति को छोड़ दें? श्रीमद् भागवतम बोलती है ऐसा भी नहीं, क्योंकि आसक्ति आत्मा का स्वभाव है। इसे नेचर ऑफ द सोल टू अटैच सम वेयर। रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति तब कवे हमें हो गए युगल अपेरी। तो आसक्ति जो एक आत्मा का स्वभाव है, तो आसक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता है कभी भी। क्योंकि आसक्ति अगर आत्मा है तो वो अगर भौतिक से आसक्त नहीं होगी तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर से आसक्त होगी। यदि स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर से अटैच नहीं होगी तो भौतिक या मटेरियल सब्जेक्ट मैटर से अटैच होगी। तो यहाँ पे श्लोक में बता दें प्रसंगम अजरम पाशम, आसक्तियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि वो व्यक्ति को अजगर के पास की तरह पूरी तरह जकड़ लेती हैं, उस जाल में व्यक्ति पूरी तरह बंध के फंस जाता है और फिर अपने प्राण निकल जाते हैं और उसकी दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती। लेकिन इस श्लोक में बताते हैं कि यदि व्यक्ति के पास, चूंकि आत्मा का स्वभाव है ना आसक्त होना, यदि व्यक्ति एक काम करे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली, कि जो अटैचमेंट हमें नर्क के द्वार की तरफ लेके जा रहा है, जो भौतिक आसक्तियाँ होती हैं, व्यक्ति को कहाँ लेके जाती है, दुख के बाद नरक की तरफ लेके जाती है। लेकिन वो आसक्ति को यदि हम ट्रांसफर कर दें, उसको सही जगह पर प्लाइट कर दें, अगर हम किसी आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप से एडवांस व्यक्ति है, कोई साधु है, उसकी तरफ हम लगा दें, उस तरफ मोड़ दें, गुरु की तरफ, साधु की तरफ, शास्त्र की तरफ आसक्ति को ट्रांसफर कर दें, तो क्या होता है, वही आसक्ति हमारी मुक्ति का कारण बनती है। सच ए ब्यूटिफुल थिंग, वॉट ए ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। जय श्रीमद् भागवतम, जय। इसलिए श्रीमद् भागवतम में दुनिया की हर समस्या का हल दिया गया है और व्यक्ति दुख तकलीफ के घिरे होने के बाद भी सुखमयपूर्वक जीवन जी सकता है, संभव है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ बड़ी सुंदर बात बताई गई कि आसक्ति हम सब, जब तक भौतिक शरीर है तब तक आसक्तियाँ तो रहेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगी, लेकिन उस आसक्ति को यदि हम आध्यात्मिक विषयों की तरफ ट्रांसफर कर दें, रूपा जी की पुस्तकें, भगवद्गीता यथारूप है, उनके बहुत सारे सुंदर ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम है और छोटी पुस्तकें हैं, उनकी तरफ हम आसक्ति को लगाएं, उन्हें किसी प्रामाणिक साधु से हम अपनी आसक्ति को लगाएं, तो हम देखेंगे वही आसक्ति जो हमें दुख कष्ट दे रही, जो नरक की तरफ ले जा रही है, वही आसक्ति हमें सुख देगी और हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी मुक्ति का मार्ग खोलेगी और हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। यहाँ तात्पर्य जरूर प्रभुपाद जी बोलते हैं साधु कौन है, किसको बोलेंगे साधु? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा रखा है, और व्यक्ति साधु। उन दो तीन परिभाषाएं दी हैं, एक उसमें से ये है कि लगातार कृष्ण में अपने आप को एंगेज किए, कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज किया हुआ है, यदि उसकी तरफ अपनी आसक्ति को लगाएं,
तो अपने जीवन के दुखों से पार पा सकते हैं, सुख का मार्ग, सुख का रास्ता खोल सकते हैं। हरे कृष्ण।